इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इन दिनों शहर में गणगौर पर्व की धूम है। पारंपरिक इस त्योहार को लेकर जहां महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह है, वहीं विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में भी इस त्योहार पर तरह तरह के आयोजन, खासकर बाना निकालने को लेकर खासी प्रतिस्पर्धा सी दिखाई दे रही है। विगत 3 दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई आयोजन हुए। इसी कड़ी में शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर से बाना निकाला गया। श्री परशुराम महासभा, महिला प्रकोष्ठ, शिवाय मातृशक्ति संगठन और नारी शक्ति संगठन के द्वारा निकाले गए इस बाने में घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे, भोलेनाथ और राधा कृष्ण विशेष आकर्षण थे। वहीं डीजे पर बज रहे सुमधुर भजनों की धुन पर महिलाएं नृत्य करती चल रही थी। मार्ग में अनेक जगहों पर मंच लगाए गए थे, जहां से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विधायक गोलू शुक्ला, धर्माचार्य योगेंद्र महंत, परशुराम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा, संयोजक संजय मिश्रा, कर्मेशु की मोनिका दुबे, दीपिका शर्मा, मोनिका शर्मा, कविता मिश्रा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति बाने में शामिल हुए। आयोजक पूनम संजय मिश्रा और वर्षा गोविंद शर्मा ने आयोजन के बारे में जानकारी दी और कहा कि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष गणगौर पर बाना निकाला जाता है और सभी तीज त्योहार उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं, ताकि नई पीढ़ी में संस्कार डाले जा सके। पूनम संजय मिश्रा व वर्षा गोविंद शर्मा ने बताया कि उनका संगठन धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के साथ ही रचनात्मक व सामाजिक सेवा के कार्य भी निरंतर करता है। आगामी दिनों में निकलने वाली श्री परशुराम भगवान की शोभा यात्रा में 500 से अधिक मातृ शक्तियों के एकत्रीकरण का संकल्प उन्होंने लिया है। हम ये गणगौर का बाना करीब 8 वर्ष से निकालते आ रहे हैं, परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा और नारी शक्ति संगठन शिवाय ग्रुप के द्वारा हम ये बाना निकालते हैं। इसमें पार्वती जी अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं और महिलाएं भी अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं, और हम लोग इसमें फूल पत्ती का लेके आते हैं बाना, और माता गणगौर ईश्वर जी को घुमाते हैं पूरी दूर, और उसके बाद में हम भोजन प्रसादी रखते हैं। ये बाना बहुत भव्य रूप में विगत 10 वर्षों से निकल रहा है राजेंद्र नगर से, और ये संजय मिश्रा जी द्वारा, पूनम भाभी, हम इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। बग्गी वग्गी, बैंड बाजे, हम महिलाओं को बहुत ही मज़ा आता है और गणगौर का बाना हमेशा होता है। से करीब यहाँ राजेंद्र नगर परशुराम चौक से निकाला जाता है। यह महिलाओं की सुहाग का पर्व है। महिलाओं की बहुत आस्था इस बाने से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हर्ष उल्लास से इस बाने का सभी महिलाएं आनंद लेती है, और पूनम भैया, संजय भाभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ इस सुंदर आयोजन के लिए।